हेलो गाइस, अगर आप लोग यूट्यूबर है तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, नहीं तो आपको बाद में रोना पड़ जाएगा। क्यों ये मैं बात बोल रहा हूँ, आप वीडियो को इसको पूरा देखो तब आपको पता चल जाएगा कि आपको बाद में क्यों रोना पड़ जाएगा। हाल ही फिलहाल में आपको पता होगा कि आईपीएल आया था और आईपीएल के ऊपर यानी बहुत लोगों ने वीडियो बनाया और उनके वीडियो पे अच्छा खासा व्यूज भी आया और वीडियो भी वायरल हुआ और उससे अच्छा खासा अर्निंग भी किया और सब्सक्राइबर भी उनका बढ़ा। लेकिन अब क्या हो रहा है कि आईपीएल तो शुरू हो चुका है और अब क्या हो रहा है कि उनके वीडियो पे जो जो भी लोग इसके ऊपर वीडियो बनाए थे आईपीएल के ऊपर कि फ्री में कैसे आईपीएल देखे अपने मोबाइल फोन से चाहे कुछ भी, मतलब इसके ऊपर वीडियो बनाए थे और उसमें प्रूफ भी दिखाए थे, वीडियो चला के प्ले करके भी दिखाए थे, हमने भी इसके ऊपर वीडियो बनाया था लेकिन हमने कोई प्ले करके नहीं दिखाया था, तब भी हमारे वीडियो पे जो एड है ना वो लिमिटेड हो गया था और मैंने बार बार उसको रिक्वेस्ट किया, मतलब सॉल्व भी नहीं हुआ। सॉल्व नहीं हुआ तो मैं उस वीडियो को क्या किया कि उस वीडियो को डिलीट कर दिया, यानी डिलीट कर दिया तो हमारे वीडियो पे तो अभी कॉपीराइट नहीं है और जो लोग भी इसके ऊपर वीडियो बनाए उन लोगों को वीडियो पे अभी कॉपीराइट मिल रहा है और उनका वीडियो का टेक डाउन करके उनको वीडियो को हटा दिया जा रहा है। तो गाइज आपको मतलब इसके ऊपर अगर वीडियो बनाए हैं तो आप अगर लगता है कि उस वीडियो में कुछ मतलब इलीगल किए हो, कुछ प्रूफ दिखाए हो तो उस वीडियो को आप डिलीट कर दो, नहीं तो आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम हो जाएगा। आपको पता है कि टेक चैंपियन सपोर्ट सर जी यानी हमारे गुरु जी के चैनल पर अभी कॉपीराइट स्ट्राइक आ चुका है, उस वीडियो पर कम से कम ना 8 लाख से मतलब ज़्यादा व्यूज आया था और सब्सक्राइबर भी अच्छा खासा मिल गया था, तो उनका वो वीडियो को मतलब टेक डाउन करके मतलब कॉपीराइट स्ट्राइक मिल गया है, यानी कोई कंपनी है वो दिया, यानी यूट्यूब नहीं दिया, कोई कंपनी उनको कॉपीराइट स्ट्राइक दिया और कॉपीराइट स्ट्राइक मिलने से उनका वीडियो का टेक डाउन हुआ और वीडियो वहां से हट गया। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, जो भी आप वीडियो बनाए हो और लगता है कि आप उस वीडियो में कुछ दिखाए हो प्रूफ करके तो उस वीडियो को अभी हटा दो, और लगता है कि आप नहीं दिखाए तो आप उस वीडियो को रहने दो, कोई दिक्कत नहीं होगा। जब लगता है आपको कि उस वीडियो में हम कुछ दिखाए हैं तो तभी उस वीडियो को आप डिलीट करो, मैं ज़बरदस्ती नहीं बोला हूँ कि आप उस वीडियो को डिलीट कर दो, क्योंकि अभी बहुत सारे यूट्यूबर को ऐसे कॉपीराइट स्ट्राइक मिल रहा है और उनका वीडियो डिलीट हो रहा है। तो अगर आप भी आईपीएल पे वीडियो बना रहे हैं तो आपको ऐसे नहीं दिखाना है, जो कानून के खिलाफ है उसके ऊपर आपको नहीं जाना है, जो इलीगल है उसी चीज़ को आपको करके दिखाओ। आपको पता होगा कि कोई चीज़ हम फ्री में प्रोवाइड करते हैं, बड़े बड़े कंपनियां होती है वो लोग अपना बिजनेस चलाती है, हम उनका बिजनेस को हम फ्री में प्रोवाइड करेंगे किसी को बताएंगे तो उनको तो बुरा लगेगा ही लगेगा और उनको बुरा लगेगा तो हमारे वीडियो पर स्ट्राइक देंगे ही देंगे। तो आपको ऐसी गलती नहीं करना है, यूट्यूब भी दे सकता है स्ट्राइक और कंपनी भी दे सकता है, अगर आप लोग उनका कोई चीज़ यूज़ कर रहे हो दिखा रहे हो इलीगल कि फ्री में आप लोग ये चीज देख सकते हो, तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो आज का हमारा यही वीडियो बनाने का मकसद था कि आप लोग मतलब जो भी वीडियो बना रहे हो ऐसा वीडियो मत बनाइए, और एक नहीं बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर को स्ट्राइक मिल चुका है, कॉपीराइट क्लेम स्ट्राइक बहुत सारे मिल चुके हैं, मेरे साथ भी ऐसा हो जाता लेकिन मैंने वीडियो डिलीट कर दिया क्योंकि हमें पता था बहुत सारे यूट्यूबर को मैंने वीडियो देखा और वीडियो देखने के बाद मैंने अपना वीडियो डिलीट कर दिया क्योंकि उस पर लिमिटेड आ गया था, इसके कारण उस वीडियो को मैंने डिलीट कर दिया, क्योंकि रहेगा वीडियो तो उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक भी मिल सकता है, तो मान लीजिए अगर कॉपीराइट स्ट्राइक मिलेगा तो हमें प्रॉब्लम होगा, तो इसलिए हम नहीं चाहते कि हमारे चैनल पे कोई कॉपीराइट स्ट्राइक मिले, तो इसलिए हम उस वीडियो को डिलीट कर दिया। अगर आप भी बनाए हैं और आपको लगता है कि उस वीडियो में आप कुछ प्रूफ दिखाएं तो आप उस वीडियो को डिलीट कर दीजिए, ठीक है। मैं ज़बरदस्ती नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने वीडियो को डिलीट कीजिए, आप खुद देख लीजिए टेक चैंपियन सपोर्ट के सर मतलब इनके साथ कैसा प्रॉब्लम हुआ है, इनका वीडियो डिलीट हो चुका है, अच्छा खासा व्यूज मिला था, अच्छा सब्सक्राइबर तो रह जाएगा इनका लेकिन जो व्यूज मिला था तो हट ही जाएगा। तो आपको मतलब ऐसी गलती नहीं करनी है जो आपको बाद में पछताना पड़े और रोना पड़े, क्योंकि बहुत ऐसे यूट्यूबर हैं जो अभी पछता रहे हैं और रो भी रहे हैं क्योंकि उनके वीडियो को मतलब लाखों करोड़ों में जब व्यू गया है और उस व्यूज के कारण उनके वीडियो पे कॉपीराइट स्ट्राइक मिल चुका है। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, और आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और हम इस वीडियो में कुछ गलत भी बोल दिए होंगे तो इसके लिए सॉरी। तो चलिए गाइस आज का हमारा यही वीडियो था, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दे। तो चलिए गाइस आज का हम वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, तब तक के लिए सो थैंक यू सो वेलकम, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।